और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सूचियां जारी तो हो रही हैं, लेकिन वक्त कम होने की वजह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया जारी है, लेकिन जयपुर की 9 विधानसभाओं में से 3 को छोड़ दिया गया, बाकी सब पर आमने सामने कौन होगा ये अभी क्लियर भी नहीं हो पाया है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। राजधानी की कई सीटें तो ऐसी हैं जहां उम्मीदवार कोई भी हो, बीजेपी का सिंबल अगर है तो जीतते हैं। लेकिन इस बार जयपुर शहर की 9 विधानसभा सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने आमने सामने कैंडिडेट अभी नहीं उतारे हैं, जबकि हवा महल सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल पाई। हालांकि राजस्थान में बीजेपी 124 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन जयपुर शहर की केवल 5 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार पाई है। बाकी सीटों पर जयपुर से दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है और मजबूत उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। मसलन किशनपुर विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर कांग्रेस ने अमीन कागजी को मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा इस पर मंथन अभी जारी है। वहीं सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरेवास मैदान में है, लेकिन बीजेपी से कौन होगा ये अभी भी सवाल बना हुआ है। आदर्श नगर से कांग्रेस के रफीक खान ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी से कौन होगा ये सस्पेंस अभी बरकरार है। उधर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की दिया कुमारी के सामने कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। झोटवाड़ा में बीजेपी के राज्यवर्धन के सामने कांग्रेस का कौन होगा इस पर सबकी नजरें हैं। हालांकि उम्मीदवारों को लेकर अभी दोनों ही पार्टियों में मंथन का दौर जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से अमीन कागजी के सामने हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति खंडेलवाल मैदान में हो सकती हैं, और इसके साथ ही हवा महल और आदर्श नगर से कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, जबकि सिविल लाइन विधानसभा से प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने बीजेपी किसी बड़े हिंदुत्व चेहरे को मौका दे सकती है। वहीं जिन 3 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने आमने सामने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, वहां इस बार कांटे का मुकाबला होगा। सांगानेर में कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज और बीजेपी के भजनलाल शर्मा के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि ये बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। वहीं मालवीय नगर में कांग्रेस की अर्चना शर्मा और बीजेपी के कालीचरण सराफ के बीच कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि पिछली बार अर्चना शर्मा करीब 1700 वोट से हारी थी। इसके अलावा बगरू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की गंगा देवी और कैलाश वर्मा के बीच मुकाबला होगा। जयपुर की सीट पर हर बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, ऐसे में सबकी नजरें आमने सामने वाले उम्मीदवारों पर टिकी है। विद्याधर नगर में बीजेपी की दिया कुमारी और झोटवाड़ा में बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह के सामने कौन होगा ये जानने में सबकी दिलचस्पी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।